जिंदगी में पहली बार मैं गोल्ड वाली कॉफी पीने लगा। दीदी स्टारबक्स वैसे तो मुझे लगता है काफी लोगों को अलाउड ही नहीं आना। जो सारा स्टाफ है वो अपने को जानता है और वो इसलिए प्रॉपर दिखा रहे हैं कि कॉफी दी है। बाबा आदम के जमाने से क्रिएटिविटी के नाम पे ये फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर आ जाता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे पत्थर खा रहे हैं। मुझे ये लगता था कि कोस्टा बहुत अच्छी है, जो कॉफी दे रहे पीनी है पियो, नहीं तो रहने दो। तो ये ब्रांड्स के ऊपर ना भारी पड़ने वाले। हेलो गुडी गुडी वी मेरे का रमेश की तरफ लेके आ गए कुछ नो का कुछ तो अच्छा विश्वास। देखो जी वैसे तो आपने वीडियो का टाइटल जो है वो लिया होगा, पर मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। बचपन में मैं खाता था खूब सारी कॉफी। वाह आज हम ट्राई करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की कॉफी। तो गाइस हम करने आज क्या वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में इतनी ज्यादा कॉफी मिलने लगी है भाई, मैकडोनल्ड वालों ने अपना कैफे खोल दिया है, बर्गर किंग वालों ने अपना कैफे खोल दिया है। कॉफी की जो दुकानें स्टारबक्स जैसी, थर्ड वेव कॉफी जैसी, वो अलग खुल गई है। मतलब समझ नहीं आ रहा किसकी कॉफी पिए भाई साहब। आज बेसिकली सारे ब्रांड्स का खुलासा करने वाले हैं और आज पता चलेगा कि कौन सी कॉफी स्वाद है, कौन सी वर्थ इट है, कौन सी नहीं है। देखो सस्ते से सस्ते महंगी से महंगी कॉफी सारी कॉफी ट्राई कर लेनी, ज्यादा टाइम वेस्ट करना कर रहे हैं। तो भाई जो पहली कॉफी हम पीने वाले हैं वो होने वाली है बिल्कुल फ्री। तो गाइस सुबह सुबह दूध हमारी मम्मी ले लेती है, कॉफी राशन में आ जाती है और बीट करने की लेबर हमें पड़ती है बिल्कुल फ्री। शर्म तो नहीं है लेबर बोलते हुए। देखो मैं कभी कॉफी बीट नहीं करता, मुझे लगता है बिल्कुल टाइम वेस्ट। पर मुक्ति कॉफी बीट करके जब कॉफी बनाती है ना, ओह क्या उमदा कॉफी बनती है। तो अब जल्दी से अपनी फ्री वाली कॉफी पीते हैं और उसके बाद हम ऐसे ऐसी कॉफी पिएंगे ना, मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुक को उसके कवर से जज करना चाहूंगा, क्योंकि भांडे जो है मुक्ति ने अच्छे से साफ नहीं करे या फिर कॉफी डालते वक्त गंदे ज्यादा कर दिए हुए हैं। टेस्ट करके देखो, मुझे इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी कॉफी है जिसकी वजह से मुझे हो चुके हैं सस्ते नशे के एडिक्शन। भाई साहब रोज सुबह मुझे ये कॉफी नहीं मिलती ना, मेरा दिन नहीं गुजरता है। तो कॉफी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अब ओंकार भाई बारी आ गई है अपनी जेब खाली करने की और मार्केट की कॉफी ट्राई करने की, क्या वो इस कॉफी को आसपास भी टक्कर दे पाएगी कि नहीं। सीधी उंगली से ना निकले तो करनी पड़ेगी उंगली टेढ़ी। अब हम पिएंगे कॉफी फ्रॉम रेडी। वाह 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 वाह। देखो जी रेडी से अगर हम कॉफी पी रहे हो, जाहिर सी बात है प्राइस होगी उसकी कम, और यहाँ पे प्राइस कम के साथ साथ नखरे बिल्कुल नहीं चलते। यहाँ पे आपको कोई कैपेचिनो लाते हेजलनट ये वो फलाना ढपकाना नहीं मिलेगा। मतलब जो कॉफी दे रहे पीनी है पियो, नहीं तो रहने दो, प्योर कॉफी मिलेगी आपको। चलो भैया कॉफी एक कर दो बढ़िया सी, ठीक है। कौन सी वाली बनाओगे? वो कैपेचिनो बन जाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ बन जाएगी। भैया इसकी बकवास मत सुनो, एक बढ़िया सी कॉफी लगा दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक चीज से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि भैया ने यहाँ पे ब्लैक कॉफी का भी ऑप्शन दिया है। भैया ब्लैक कॉफी कितने की है? 20 की। मतलब दूध डलवा लो या दूध ना डलवाओ प्राइस सेम है, 20 रुपीज। दूध के अंदर चीनी और नेस्कैफे की कॉफी डाल के रेडी हो चुका है हमारा ये छोटू सा कप, जिसके हमने दिए 20 रुपए। नेस्कैफे की कॉफी तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। वो मशीन वाली जो कॉफी होती है ना उससे बेटर टेस्ट कर रही है। और इसमें थोड़ी कॉफी कम लग रही है मुझे, बट भैया को बोल के हम करवा सकते हैं कस्टमाइज। देखो थोड़ी सी ज्यादा, ये कस्टमाइजेशन की ऑप्शन सिर्फ सस्ते में ही मिलती है। सो दिस कॉफी इज वेरी गुड। इसको मैं बोलना चाहूंगा SBT कॉफी, सस्ता बढ़िया टिकाऊ। बिल्कुल। तो गाइस रेडी और ब्रांड के बीच में कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं लोकल शॉप, और ये लोकल शॉप्स ना कहीं कम्पीट करने की कोशिश करती है ब्रांड्स के साथ। कई दुकानें डोमिनोज जैसा पिज्जा बनाने की कोशिश कर रही हैं, कई दुकानें मैकडी जैसा बर्गर बनाने की कोशिश कर रही हैं, और कई दुकानें स्टारबक्स जैसी कॉफी बनाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी चीज ये है कि ये सारी की सारी चीज ना पॉकेट फ्रेंडली होती है। हाँ ये तो है, थोड़ी जेब को कम हल्का करती है ये। तो ऐसी एक शॉप पे आ गए हैं, जल्दी से कॉफी प्रिपेयर करवाते हैं और देखते हैं कैसे। तो ये रही हमारी कॉफी मात्र 70 रुपए की। देखो इतनी गर्मी हो रही है तो कोल्ड कॉफी लेनी तो जरूर बनती थी, अभी तक गरम गरम ही पी रहे थे। और पैकिंग अच्छी है यार, पैकेजिंग इनकी अच्छी है। खुश हो गई। हाँ खोल क्यों रही है, खोलना क्यों, ऐसी पी लेंगे कोल्ड कॉफी में दिखने में क्या है। शक्ल दिखती नहीं ना तब तक मजा नहीं आता। ये मुझे लग रहा है इन्होंने भी वो ऐसे बीट सी करके बनाई हुई है कॉफी। एक बार नहीं मैं ऐसे मैं खोल के यार ये गलत बात है, ये मुंह में आ भी रहा है, इतने से छेद से मुंह में कुछ नहीं आता है, पूरा खोल लो और फिर ऐसे पियो। स्वाद है यार ये। 70 रुपए की ये कॉफी है और मुझे लगता है ना वर्थ इट है। और मेरे को ये भी लगता है ये ब्रांड्स के ऊपर ना भारी पड़ने वाली। सही बात है ना।
मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग वाले बर्गर तो बेच ही रहे थे, परंतु ये चाहते ना किसी और का धंधा चले। सही बात, कॉफिया भी बेचनी शुरू कर दी हुई है। बर्गर किंग ने खोल लिया बीके कैफे, मैकडॉनल्ड ने खोल लिया मैक कैफे। ओंकार भाई तुम जाओ बर्गर किंग, मैं जाता हूँ मैकडॉनल्ड, दोनों की कॉफिया लेते हैं और जल्दी से यहीं पे कंपेयर कर देते हैं। भाई साहब कॉफी अपनी आ चुकी है, सबसे पहले आपको बताते हैं रेट। ये है जी 180 रुपए की कोल्ड कॉफी, ये है 188 रुपीस की, तो मैकडॉनल्ड्स की पूरे 8 रुपए महंगी है और प्रेजेंटेशन बर्गर किंग की। देखो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दिया हुआ, परंतु ये प्रॉपर दिखा रहे हैं कि कॉफी दी है आपको। मैंने सोचा था 80-90 रुपए की होगी, ये 100 रुपए महंगी है, बट टेस्ट देखते हैं कि 180 रुपए वाला है कि नहीं। काफी क्रीमी है, ऐसी कॉफी है कि फील नहीं हो रहा कि घर पे बन जाएगी, वो नेस्कैफे वाली कॉफी नहीं है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इसमें मीठा कम है, मुझे इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मीठा। जो मैकडॉनल्ड्स की नॉर्मल कोल्ड कॉफी आती है ना, मैक कैफे वाली नहीं, नॉर्मल मैकडॉनल्ड्स की कोल्ड कॉफी, वो इससे 100 गुना ज्यादा बेटर है। बर्गर किंग की फिर भी बेटर है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ये ऐसे लग रहा है नेस्कैफे की कॉफी बनाई हुई है, ठंडे दूध में बस नेस्कैफे डाल दिया और थोड़ी बर्फ डाल के क्रश कर दिया, मजा नहीं आया। बर्गर किंग इज बेटर। अगली कॉफी हम पीने वाले हैं कोस्टा कॉफी, और उसका कंपैरिजन करेंगे उसके कॉम्पिटिटर ब्रिस्टा के साथ। एक साल पहले हो चुका था मेरा रिश्ता, ओंकार खरीद लाया है ब्रिस्टा। तो जी ये है अपनी कैपेचिनो जो लिए ब्रिस्टा से, और कॉस्ट है इसकी 179 रुपीस। मतलब कि कॉस्टा जो है काफी कॉस्टली है, ये है 250 रुपीस। सेम कैपेचिनो, ये साइज भी सेम है। और देखो जी बाबा आदम के जमाने से क्रिएटिविटी के नाम पे ये दिल्ली देखता आ रहा हूँ मैं, अभी भी ऊपर दिल्ली है। और इन्होंने इसके ऊपर कॉफी बीन बनाने की कोशिश की है। चीनी डालने भी ना, चीनी डाल लेते, मैं तो डालने लगी हुई हूँ। तो जी सारी क्रिएटिविटी तहस नहस करने के बाद चीयर्स हो गया अपनी। ये भी ठीक है, दोनों सेम नहीं लग रही है तुम्हें? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो कोस्टा की कॉफी है ना ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। मुझे सच्ची ये लगता था कि कोस्टा बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बरिस्ता, बट आज ये दोनों इकट्ठे टेस्ट करके ये पता चल चुका है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कोस्टा जा सकते हो, अगर पैसा बचाना है तो आप बरिस्ता जा सकते हो, अगर ज्यादा ही पैसा बचाना है तो रेडी पे चल जाना, घर पे बना लेना अपनी। वैसे घर वाली ज्यादा अच्छी होती है। कुत्ती मार देगी मुझे जान से अगर ले आया कभी मैं जिंदगी में इसकी सौतन। पर कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं कनाडा की ट्राई करने कॉफी जो है फ्रॉम टिम हॉर्टन। चलो जी। टिम हॉर्टन में आके ना बहुत ही ज्यादा अपनापन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा स्टाफ है वो अपने को जानता है, और वो इसलिए क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी ट्राइंग इंटायर मेन्यू ऑफ टिम हॉर्टन, अगर आपने वो नहीं देखी है तो सर्च कर लो, बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, उसकी वजह से स्टाफ क्यों जाता है पता लग जाएगा। हमने ऑर्डर किया इनकी फ्रेंच वनीला विद एक्सप्रेसो मीडियम रोस्ट। देखो जी कनाडा का ये ब्रांड है, बेच ये फ्रेंच वनीला रहा है, इसको कनेडियन वनीला बेचनी चाहिए और इंडिया में इन्होंने दुकान खोली हुई है, बताओ। देखो बहुत गलत बात है, 336 रुपए की ये टाइनी माइनी सी कॉफी हम लेके आए हैं। पर्सनली ना टिम हॉर्टन्स में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। वो क्यों नहीं रहा है, वो वीडियो चेकआउट कर लो, फूडी वी की ऊपर नीचे यहाँ पे आई वाला जो डॉट सा आता है ना उधर लिंक डाल लो, चेक कर लो। और क्या पता आज इसको पीने के बाद मुझे अच्छी लगे, है ना, क्योंकि हम आज सारे ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं, तो क्या पता। क्योंकि पिछली बार जब हमने टिम हॉर्टन ट्राई किया था उस टाइम नया खुला था, रश बहुत ज्यादा था, आई थिंक अच्छे से केटर कर नहीं पाए थे। और मेरी बात सुनो, कोई डिजाइन नहीं मारा है अब तक, हमने जितनी भी हॉट कॉफी लिया उन्होंने या तो हार्ट बनाया या बीन्स बनाए, इसके ऊपर कुछ नहीं, बट कोई बात, आर्टिस्ट बंदे नहीं है इनके पास, इनको वो पत्ता बनाना चाहिए ना अपना टिम हॉर्टन वाला, कितना अच्छा लग रहा था। चीनी डालने वाली है वैसे? नहीं, डली हुई है। इन्होंने अलग से भी दी थी वैसे। ये कितना मीठा पीते थे? ओ भाई साहब, मीठा है। और आज अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, बट गुड, आज ये कॉफी बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे भी अच्छी लग रही है, पर महंगी है पता। आज की डेट में इतने कॉफी के ब्रांड आ गए हैं, इतने ब्रांड आ गए कि मतलब कंफ्यूजन ही हो जाती है, कभी कॉफी पीने का मन करते तो समझ नहीं आता कहाँ पे जाए। एक टाइम हुआ करता था जब कॉफी पीनी हो किसी से मिलना हो तो एक ही जगह होती थी CCD, और भाई साहब आज की डेट में CCD नहीं दिखता, बाकी सारा कुछ दिखता है। तो ऐसी एक नए ब्रांड पे हम आ गए जिसका नाम है ब्लू टोकाई, इसकी कॉफी एक बार ट्राई करते हैं और आपको बताते कैसी है। और ब्लू टोकाई का डायरेक्ट कंपैरिजन हम करने वाले हैं थर्ड वेव कॉफी के साथ। यार इसका ब्रांड का नाम क्या सोच के रखा, कह रहे हम भी तहलका मचा देंगे कोरोना की तरह। मेरी माँ
माँ बहुत ज्यादा खुश है अपनी बहू से। अच्छा, इसके बाद तो कॉफी निकलेगी हमारे लहू से। ब्लू टोकाई की हेजलनट फ्लेवर अमेरिकानो है 180 रुपीस की और ये है 235 रुपीस की। बट ब्लू टोकाई वाले भैया ने एक बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया हमें कि ये फ्लेवर्स यूज नहीं करते हैं। इन्होंने बताया कि जहाँ पे कॉफी उगती है ना उसी के आसपास वो हेजलनट ग्रो करते हैं जिसकी वजह से कॉफी में हेजलनट का फ्लेवर आ जाता है। मतलब भाई क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल। अब हम एक बार टेस्ट करके बताएंगे सच्ची में आता भी है कि ऐसी गप्पी मार रहे थे। ओह, ये दिखती है कुछ इस प्रकार की। प्रेजेंटेशन थर्ड वेव कॉफी की बहुत ज्यादा बेटर है। इसका साइज भी बड़ा है, थोड़ा प्राइस ज्यादा है। वैसे ही सबसे छोटा साइज आपको यही वाला ही मिलेगा। हाँ, तो एक बार चीयर्स करते हैं। सच्ची बताऊँ मुझे हेजलनट का फ्लेवर आ नहीं रहा। नॉर्मल ब्लैक कॉफी लग रही है। इसमें आ रहा पूरा हेजलनट का फ्लेवर क्योंकि ये अलग से फ्लेवर ऐड करते हैं इसमें। मुझे लगता है अगर आपको फ्लेवर्ड कॉफी अच्छी लगती है तो थर्ड वेव कॉफी ज्यादा बेटर है। तो गाइस, कभी कभार हमारी जेब में पैसे हो जाते हैं ज्यादा और वो मारते हैं बहुत ही ज्यादा छाला, तो हमारा मन करता है थोड़ी सी फैंसी कॉफी पीने का, और उसमें जो मेरी फेवरेट है कॉफी बीन टी लीफ। ओए होए, मैं ना पहले कॉफी बीन टी लीफ बोल ही नहीं पाता था, पहले मैं बोलता था कॉफी टीन बी टी। तो तुम जैसे के लिए एक ज्यादा शॉर्ट फॉर्म है CBTL बोल दिया करो, तो वो CBTL सही रहता है। देखो मैं सच्ची बताऊं, मुझे लगता है कि कॉफी बीन टी लीफ स्टारबक्स से सस्ता है। ए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। भाई साहब, ये जरा देखो ब्लैक ब्यूटी जो हम लेके आए हैं, 400 रुपए की कॉफी है ये, जो एक घुट पीते ही इतनी नीचे चली गई है। देखो, जब मैं यहाँ पहली बार आया था ना, मैंने इनको आके बोला कि मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी अमेरिकानो कर लो हेजलनट फ्लेवर में। अच्छा। और जब वो बनके आई तो उसमें दूध था। ये कभी समझ नहीं आया ये क्यों है यहाँ। देखो, जितने भी कॉफी के शौकीन नहीं है उनको लग रहा है अमेरिकानो क्या चीज होती है, तो कुछ नहीं होता है, बस कॉफी को पानी में डाल देते और और जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ना, मुझे ब्लू टोकाई और थर्ड वेव से यहाँ की हेजलनट अमेरिकानो ज्यादा अच्छी लगी। और प्राइस भी डबल है इसका, पर सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक जो कॉफी लगी ना मुझे वो 70 रुपए वाली लगी रेडी वाली। अब चलते हैं अपने अगले ब्रांड पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जेब ढीली हो चुकी है हमारी, बट अब क्या करें, आपके लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। नहाने के लिए यूज करता हूँ मैं साबुन लक्स। नहाता है नहीं, नहाने के लिए साबुन यूज करता हूँ मैं। और पीने के लिए कॉफी मैं लेता हूँ फ्रॉम स्टारबक्स। देखो, ना मैं नहाता हूँ ना मैं स्टारबक्स की कॉफी लेता हूँ। इन्हीं से पूछते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी कॉफी बिकती है और वही ट्राई करते हैं। हमने ऑर्डर किया है यहाँ की बेस्ट सेलर जो है कैरमल जावा चिप फ्रैपेचिनो। देखो, इसका नाम याद करने के लिए भी आपको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि तो मैं उसकी क्लासेस देता हूँ ओनली 10 रुपीज पर आवर। ये कितने का आया अपना? ये है सबसे स्मॉल साइज 415 रुपीज का। और मुक्ति इतनी व्हिप्ड क्रीम तो पूरे साल में नहीं खाती जितनी इन्होंने गड्डी डाल दी हुई है इसमें। इसको एक बार खोलते है, ये मुझे लगता है एकदम थिक होने वाली है, गजब। तो देखो, इतनी जेब हल्की करने के बाद अब ये स्वाद नहीं हुई अगर तो बहुत दुख होने वाला है। ओके, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ 400 रुपए का पी लिया। स्टारबक्स की चीज लेके तब वर्थ इट है अगर आप वहाँ पे बैठ के अपना लैपटॉप खोल के एनवायरनमेंट का मजा लेते हुए कॉफी पियो। गो स्टारबक्स। वैसे तो मुझे लगता है काफी लोगों को अलाउड ही नहीं आना, स्पेशली उनको जिनके पास एप्पल का लैपटॉप नहीं है। आपका एप्पल का लैपटॉप है, झूठ मार रहे हो। एप्पल का फोन होना जरूरी है और आपको एक्टिंग करनी पड़ती है कि आप कुछ काम कर रहे हो 5-6 घंटे तक। सही बात है लड़की, अरे सही कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पूरी कॉफी वसूल के जाओ, 4-5 घंटे बैठ के काम करके जाओ, इनका एसी फूक के जाओ। जो 400 रुपए हैं कॉफी से वसूल तो नहीं होने वाले, पर एनवायरनमेंट से वसूल जरूर है क्योंकि सारे लोग आसपास काम ही कर रहे हैं, तो थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाती है। अभी तक हमने पी ली हुई है बहुत ज्यादा नजायज महंगी महंगी कॉफी, पर अब आपको दिखाएंगे हम जायज महंगी कॉफी। बाकी कॉफियां पीते हुए थोड़ा सा दिल पे हुआ था दुख, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉफी अगर स्वाद हुई तो इसको पीते हुए दुख नहीं होगा क्योंकि इसकी कॉस्ट एक चीज जस्टिफाई करेगी जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। भाई साहब, पीते वक्त सीधा हम बांधने को टक्कर देंगे हम। अच्छा, अपने
कॉफी आ चुकी हुई है और पूरी ब्लिंग ब्लिंग वाली फीलिंग आ रही है भाई साहब। जिंदगी में पहली बार मैं गोल्ड वाली कॉफी पीने लगा हूँ। दीदी ये तो अंदर जा रहे आदि, ये ले। कैसा है गोल्ड का फ्लेवर? कैसा है गोल्ड का फ्लेवर? तो नहीं आ रहा बट फील अच्छा हो रहा है। फील हुआ नहीं एक बार मैं भी पी के देखता हूँ। अरे ऐसे नहीं करना था, इसको मिक्स करना था। गार का मुझे लगता है मिक्स करने का मन नहीं था, दूसरे का पहले गोल्ड गोल्ड खा लो। मेटालिक सा फ्लेवर तो है यार, आ रहा है वंस मोर। अच्छे से ध्यान से आंखें बंद कर, मेरे को नहीं करना, अरे नहीं मेरे को नहीं करना। जिंदगी में कभी तुझे गोल्ड का फ्लेवर नहीं आएगा, आंखें बंद कर, तुझे पता लगेगा गोल्ड कैसा होता है। आंखें बंद करनी जरूरी है। देखो जी अब हमें पता चल चुका हुआ है गोल्ड कैसा टेस्ट करता है, गोल्ड का कुछ खास फ्लेवर नहीं है। देखो हैरानी की बात यह है कि जो स्टारबक्स की कॉफी थी उससे सस्ती है ये गोल्ड कॉफी, 350 रुपए की। भैया स्टारबक्स वालों अपनी कॉफी में गोल्ड डाल दिया करो, जस्टिफाई तो कर पाओगे अपनी कॉस्ट को। तो यार वैसे ना सच्ची बताऊं, जब कॉफी के ऊपर ऐसे गोल्ड की लेयर चढ़ के आती है ना तो लग्जरी वाली जो फील आती है ना, अंबानी वाली फीलिंग जो है वो अपने को आ जाती है। कॉफी का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है, इट्स ओके, बट फील गुड करवा दिया हुआ है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए आज के दिन में हमने इतनी ज्यादा कॉफी टेस्ट कर लिया, बेस्ट कोल्ड कॉफी तुझे कौन सी लगी, बेस्ट हॉट कॉफी कौन सी लगी, ओहो, और बेस्ट ब्लैक कॉफी कौन सी लगी? मुझे बेस्ट कोल्ड कॉफी लगी जो अपनी लोकल शॉप की थी, 70 रुपए की। मेरे को भी बेस्ट हॉट कॉफी मुझे लगी, कहाँ पी थी हमने हॉट कॉफी? ब्रिस्का की ली थी, हमने कोस्टा की ली थी। नहीं मुझे हॉट कॉफी वैसी नहीं पसंद, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मुझे हॉट कॉफी जो है टिम हॉर्टन की अच्छी लगी थी कंपेयर टू ब्रिस्का एंड कोस्टा। और ब्लैक कॉफी CBTL की। भाई अगर मैंने कॉफी पीनी आना या तो मैं वो रेडी पे जाऊंगा या फिर थोड़े से पैसे ज्यादा है तो मैं तो जाऊंगा कॉफी बीन पी ली, क्योंकि हॉट कॉफी भी अच्छी है। और कभी मुझे लेविश फीलिंग लेनी है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, कॉफी ऑर्डर करूंगा और उसको रखे रखूंगा और देख ही जाऊंगा और सोचूंगा कितना अमीर हो चुका हूं मैं। तो अगली जगह हम आ गए हैं, उसका नाम है ठेका। भाई साहब कुछ गलत नहीं समझता, ये कॉफी का ठेका है और बहुत ही ज्यादा हाइप्ड है क्योंकि शार्क टैंक में ये कॉफी आई थी। सही बात है। पी के बताएंगे क्या ये वर्थ होने वाली है या नहीं। अश्लील नाम वाली कॉफी हमने ले ली हुई है क्योंकि नाम है इसका पलंग तोड़। भाई देखो 18+ रेडी है, ये नाम इसका ठेका है तो बच्चे यहाँ ना आए। शेप जो बॉटल की है ना वो बियर वाली है रखी हुई, इसलिए इन्होंने नाम भी ठेका रखा। मेरे ख्याल से जो इसका ओनर होगा ना वो चाहता होगा कि वो दारू बेचे परंतु उसका लाइसेंस उन्हें मिला नहीं तो कॉफी बेच रहा है। मम्मी ने मना कर दिया। रेट है इसका 125, टेस्ट करके देखते हैं। देखो 125 मैं मानता हूँ कि ऐसी बॉटल के थोड़ा ज्यादा है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके है, ऐसे नहीं बोलूंगा बुरी है या बहुत अच्छी है, ओके लगी मुझे। मैं जो मानता हूँ ना नाम ऐसे होने चाहिए उससे पता लगे उसका फ्लेवर कैसा होगा, जैसे अमेरिकानो ब्लैक होगी, कैपेचिनो दूध वाली होगी। नहीं इनके पास थे कुछ फ्लेवर थे जैसे पॉपकॉर्न वगैरह का फ्लेवर था, उसका नाम उसी के रिलेटेड था। अच्छा इससे वो कुछ और ही ज्यादा कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रांग होगी। मे बी मतलब इतनी स्ट्रांग कि आप में बहुत एनर्जी आ जाएगी कि आप उन्हें बेड पे छलांग मार मार के बेड तोड़ दो। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते इसका ज्यादा हो जाएगा, बट दिस इज ओके। आई वुड प्रेफर जो हमने वो वाली लोकल शॉप वाली क्रीम, वो वैल्यू फॉर मनी थी। पर ये जो ठेके का कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट जो मैंने शार्क टैंक में सुना था कि वो प्रीमियम कॉफी को रेडी पे लेके आ रहा है, इट इज अ गुड थिंग, नाइस इनिशिएटिव। पूरे इंडिया में इनकी रेडी है, ट्राई करनी है कर सकते हो। हमने इसलिए ट्राई करा इसको अपनी वीडियो में क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइप थी यार इसकी, बनता था ट्राई करना। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो का, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फूडी वी को, मेरे को, ओंकार को और मुक्ति को। मिलते हैं अगली वीडियो में, रीति रिवाज पूरे करते हैं।